मिक्स फीलिंग है। पहले तो जब रिजल्ट आया तो मैं और मेरी माँ अपने कमरे में ही थे, रो रहे थे, पिता नहीं थे। ये जर्नी हम तीनों ने एक साथ शुरुआत करी थी, लेकिन ठीक है, जैसा है जो है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी सिंक इन होने में, लेकिन अब थोड़ा बेटर है। मेरी उम्र 25 साल है, मैं मूलतः कानपुर का हूँ, मेरा पैतृक गाँव औरैया में। मेरे पिता पत्रकार थे, संपादक थे दैनिक जागरण के, और मेरी माँ वैसे तो गृहिणी हैं लेकिन कर सब कुछ लेती हैं हमारे घर में। नहीं, रैंक की तो कभी ऐसे मेरे माता पिता ने कोई मुझसे दबाव या अपेक्षा नहीं रखी किसी लिए, तो मैंने रैंक का उतना नहीं था, लेकिन अंदर से खुद को अच्छा लगता था कि जब मेहनत करता हूँ और अपना शत प्रतिशत देता हूँ तो उससे अच्छा लगता था। मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा, दोनों मेंस में भी और इंटरव्यू में भी मेरी साइट नहीं खुली। मेरे तीन दोस्त हैं, दीपक, ईशांत और मेहुल, वो ही एक साथ ऑर्डर में देखते हैं और उनका ही मैसेज आ गया एकदम से कि उन्होंने कई बातें लिखी थी, तो मैं भावुक हो गया, मैं रिजल्ट देख नहीं पाया, लेकिन फिर तीन चार बार चेक करके फिर अपनी माँ को बताया। शुरुआती मोटिवेशन तो पिता से थी, वो जिस तरह से अधिकारियों से मिलते थे, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी और के इतना सम्मान दिया हो। उनके लिए एक अलग ही जुनून था अधिकारी, वो जितने भी बड़े इंसान से मिले अधिकारी को सबसे ऊपर रखते थे, तो कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे के मन में वो दर्ज हो जाती है वो बात अपने पिता को देख के। लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो मुझे किताबें देते थे अधिकारियों की लिखी हुई, तो जब उनके जीवन के बारे में पढ़ता था तो जानता था कितना रोचक जीवन होता है, कितनी विस्तृत जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और कैसे समाज चल रहा है, कई ऐसे लोगों के जिनके हम नाम भी नहीं जानते उनकी वजह से। तो इन सब चीज़ों ने प्रेरित किया और आगे जाके देश की सेवा करने का मौका मिला, तो इसे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी, सबसे बड़ी चैलेंज आप कहेंगे तो वो पिता की मृत्यु हुई थी। जैसे ही मैंने प्रेपरेशन शुरू करी वो चले गए, और हमने हर चीज़ सोच रखी थी, हर चीज़ प्लान कर रखी थी हमने, मेरी माँ ने और मैंने, कैसे करेंगे पिता के साथ, लेकिन जब वो नहीं थे तो वो बहुत बड़ा घाटा हो गया और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। तो इसका श्रेय भी मेरी माँ को ही जाता है, वो ढाल बन के मेरे सामने खड़ी रही, बहुत उनका सपोर्ट रहा, उनसे प्रेरणा मिली, और मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे बैठा भी हुआ होता आज। रिजल्ट तो दूर की बात है, अगर माँ नहीं होती और वो दो साल नहीं कटते किसी तरीके से। मैंने कभी घंटे नहीं नापे, मैं हमेशा अपने पिता से कहता था कि 3 घंटे पढ़ाई से दीवारें देखने से अच्छा है 1 घंटा अच्छी पढ़ाई करो और फिर बाहर आ जाओ। लेकिन इस परीक्षा ने ये ज़रूर सिखाया है कि न्यूनतम घंटे तो डालने ही पड़ते हैं, तो दिन के 8-9 घंटे आमतौर पर पढ़ना ही पड़ता है। और मेरे पिता भी कहते थे कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 8-9 घंटे आप नौकरी भी करते हो तो उसको नौकरी मान के पढ़ाई करो, तो 8-9 घंटे, और जब एग्ज़ाम आ गए तो फिर वो 10-11 हो गया। ऑप्शनल मेरा लॉ था, क्योंकि मैंने BA LLB करी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता से, तो लॉ स्वाभाविक चॉइस थी। और डिफ़िकल्टी ऐसी कोई किसी एक विषय में नहीं आई, ये पूरा परीक्षा ही कठिनतम इसीलिए मानी जाती है, 1 साल आप तैयारी करते हैं फिर 1 साल आपकी पूरी परीक्षा में निकल जाती है, कई सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है पूरी परीक्षा ही एक चैलेंज है जो आपका शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपकी चुनौतियों देती हैं, और उनको पार करना ही वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हाँ जी, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था पिछले साल। मैं 2021 अगस्त में ग्रेजुएट हुआ, और उसी साल से मैंने 10 महीने तैयारी करी है यहीं घर पर रह के अपनी माँ के साथ, और 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया और रिज़ल्ट आ जाए। अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कहने का, लेकिन जो मूलतः गोल है, जो उद्देश्य है, वो देश की सेवा है, और उसको ऐसी सेवा के माध्यम से करने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग में कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अमृत पीढ़ी में और अमृत काल में भारत की बहुत मजबूत नींव बनने वाले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। एस्पिरेशंस ऐसी कभी कोई खास कुछ रही नहीं, हमेशा यही सिखाया गया कि हर दिन एक समय पर जियो, एक समय पर एक कदम करो, तो ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और जो कुछ सोचा था उसका देखिए क्या ही हो गया, बहुत कुछ सोचा था पिता के साथ, तो अब मैं ज़्यादा कुछ लंबा सोचता नहीं हूँ, जो जैसा है उसको दिन पे लेता हूँ और बस अपनी माँ को खुश रखूँ, इससे बड़ी क्या ही होगी एस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा मिक्स्ड बैग हूँ, मैं 12th तक मैंने साइंस ली, फिर मैं एकदम से BA LLB करने लगा तो आर्ट्स भी हो गई, और अब मैं UPSC दे रहा हूँ, तो मुझे तो दोनों अच्छे लगे, जितने ज़्यादा आप अनुभव ले सकें वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि जिसमें बच्चे का मन लगे वो फील्ड ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइंस में कुछ होता है और आर्ट्स में कुछ होता है, हर क्षेत्र से हर कोई अच्छा कर सकता है अगर मन लगे उनका तो। मैं कविताएं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे बाबा ने ये शौक़ बनाया, तो कई कविताओं ने मेरा बड़ा हौसला बांधा रखा, लेकिन उनमें से अगर एक चुननी हो तो
रामधारी सिंह दिनकर की एक खूबसूरत दो पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो यही प्रेरित करती थी ये पंक्तियां। जो लोग देने चाह रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करते हों। ज़्यादा समाज का दबाव मत लीजिए, खुद के दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, किनके लिए दे रहे हैं, क्या आपके उद्देश्य हैं। और दो चीज़ें जो मैं मानता हूँ कि किसी भी फील्ड में, सिर्फ UPSC नहीं, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी में भी हो, दो कंडीशंस जो होती हैं सक्सेस की, वो केवल और केवल अनुशासन और मेहनत है। जो आदमी अनुशासन और मेहनत कर लेता है किसी भी क्षेत्र में वो अव्वल दर्जा हासिल कर लेता है।